हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं खरबस की रेसिपी। लेकिन आज जो हम खरबस बनाने वाले हैं ना, वो 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। जब हम खरबस बनाते हैं वो 2 से 3 दिन में ही ख़राब हो जाता है, लेकिन ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी और बहुत क्रिस्पी बनेंगी। वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, लेकिन ये जो दूध मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, मार्केट में अलग से मिलता है। जब भैंस को बच्चा होता है ना, उसके बाद 3 से 4 दिन तक भैंस जो भी दूध देती है उस दूध को हम कच्चा दूध बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। और उसी दूध से हम खरबस बनाते हैं। तो अभी जो मैंने दूध लिया है वो प्लेन दूध, इसमें हम शुगर या कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसे मैं कढ़ाई में स्टीम करने वाली हूँ। कढ़ाई में स्टैंड के ऊपर में जो कुकर का डब्बा है ना, वो रखने वाली हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट कुकर में इसे रख सकते हो, और 3 विसल्स होने तक इसे पकाना है। लेकिन कुकर में पानी, पानी के ऊपर स्टैंड, उसके ऊपर डब्बा रखना है। कढ़ाई में पानी लिया था, उसके ऊपर रखा है स्टैंड, और उसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ हमारा दूध का डब्बा। इसके ऊपर और एक प्लेट रखने वाली हूँ, और उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट, और इसे हम स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे 1 से 15 मिनट के लिए। ऐसे 15 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारा दूध है ना, आप देख सकते हो पक गया है। जो पतला था ना, अभी ठीक हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। पे आप देख सकते हो जो हमारा दूध है ना, अच्छी तरह से स्टीम हुआ है। जैसा पनीर मिलता है ना मार्केट में, उसी तरह से हमारा दूध बन गया है। इसे हम कद्दूकस कर लूँगे। अच्छी तरह से जो हमारा खरबस है ना कद्दूकस हुआ है, तो उसमें ऐड करने वाली हूँ शुगर। तो यहाँ पे मैं 1 बाउल शुगर ऐड कर रही हूँ, और मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने डाला है पैन में। इसको आपको कंटिन्यूसली हिलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने शुगर डाली है। ये शुगर अपना पानी छोड़ेंगी, और जैसे ही शुगर अपना कैरेमल होना स्टार्ट हो गई ना, तो ये नीचे जल सकता है, इसलिए आपको कंटिन्यूसली इसे हिलाना है। आप देख सकते हो शुगर ने अपना पानी छोड़ दिया है, और 10 से 15 मिनट में ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे आप सुन सकते हो इसकी आवाज़ आ रही है, यानी कि जो हमारा खरबस है ना ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। उसका कलर भी चेंज हुआ है, यानी कि कैरेमल होना स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट में जो हमारी खरबस है ना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा खरबस का केस है ना अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, और इसे बहुत अच्छी क्रिस्पी आवाज़ भी आ रही है। हम इसे निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आपको मैं दिखा रही हूँ जो हमारी खरबस है ना कितनी क्रिस्पी हो गई है। देखो इसकी आवाज़ कितनी अच्छे से आ रही है, और ये अभी 3 से 4 महीने के लिए ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से कुक किया है। हम इसे 8 टिफिन में भर के रख देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्रिस्पी खरबस खाने के लिए रेडी हो चुका है, और ये 3 से 4 महीने तक ख़राब भी नहीं होगा, और ये सच में बहुत टेस्टी बना है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नोमिस किचन देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।